चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर है, अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ इतना 330 किलोमीटर ऑन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार कैन इट ट्रेवल ऑन 17 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। आपको देखना दो बार क्या दिया हुआ है, लीटर दो बार है, 25 लीटर और 17 लीटर। डिस्टेंस जो है किलोमीटर में वो एक ही बार है, तो मतलब हमें दूसरा डिस्टेंस निकालना है, मतलब समझ गए ना, जो दो बार होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, ठीक है, इजी बनाने के लिए। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अच्छा ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आप कैसे भी लिख सकते हो, बस आप टीचर को समझ में आनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखी है आपको डिटो ये चिपकानी है, आप अपने हिसाब से अगर आपको कोई और इंग्लिश में इसको बनाना चाहते हो ये जो भी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड इन 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है जी। कितना डिस्टेंस कवर होता है, 25 लीटर है, 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कितना कवर होता है हमारा, 330 किलोमीटर। अब हमें बताना है 17 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में डिस्टेंस कवर्ड इन, पहले हम वन का निकालेंगे है ना, 1 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कितना होगा, 330 अपॉन में 25 किलोमीटर। अब 17 का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 330 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई 17 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे अच्छे से डिवाइड करूँगा, आपको दिखेगा भी, मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है जी। 25 25 देखो, 5 5 जा क्योंकि भी 0 5 है, 5 के डिवाइड में आएगा, 5 6 33 गया तो 5 6 30, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा मेरा, अब तो मेरा डिवाइड नहीं होगा ये, अब 66 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 17 से, सही कर रहा हूँ ना, 25 17 ऐसी है ना भाई बच्चों, ठीक है, और वो 330 है, चलो ठीक है जी करते हैं, 66 मल्टीप्लाई 17 वन वन टू, नीचे कितना है 5 किलोमीटर, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, डिवाइड हुआ है 5, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 2 2 4.4 किलोमीटर, ठीक है जी। 25 में इतना करता है तो जाहिर सी बात है 17 में कम करेगा, तो कम ही हमने आंसर निकाल दिया इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ पाइप कैन फिल 4 वाटर टैंक्स इन 2 आवर 20 मिनट्स। देखिए टैंक्स हमें दे रखे हैं, हमें टाइम पूछा है, ठीक है, तो टैंक्स वाला यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। पाइप की स्पेलिंग देखो मेरी, क्या दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा लग रहा है। अ पाइप कैन फिल 4 वाटर टैंक्स किसमें भैया, 2 आवर 20 मिनट्स, ठीक है। हमें बताने हैं 7 हमें ऐसे पाइप फिलअप करने हैं। देखो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 2 आवर 20 मिनट्स है ना, तो 1 आवर में हमारे कितने होते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे सेम होना चाहिए, ऐसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। 1 आवर में होते हैं हमारे 60 मिनट्स, तो 2 आवर्स में कितने होंगे, देखो 1 से जब भी ज़्यादा पे जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, 60 मल्टीप्लाई 2 120 मिनट, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 120 मिनट और ये 20 मिनट पहले से हैं, तो 20 मिनट तो कितने हो गए बच्चों, 140 मिनट, ठीक है। ऐसे आपको कर लेना है, ये कर लिया। अच्छा इसके बाद अब क्या करना है हमें, पहले 1 पे जाना पड़ेगा। अब पाइप कैन फिल 1 वाटर टैंक, 140 अपॉन में 4, ये 4 नीचे आ जाएगा मिनट, हमें निकालने कितने, 7। पाइप कैन फिल 7 वाटर टैंक्स, अब करेंगे हम 140 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 7, ठीक है मिनट। अब ये 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 3 जा कितना होता है 12, 2 बचा 0, 4 5 जा कितना होता है हमारा होता है 20। अब 7 5 जा 35 का 5 3 कह रही, 7 3 जा 21 और 3 24 मिनट्स, ठीक है, हमारे 2 4 5 मिनट आ गया। पीछे मैं आंसर देख लेता हूँ कैसे दिया हुआ है, आंसर क्या दिया हुआ पीछे, आपका आंसर दिया हुआ है 4 आवर्स कितना दिया था, भूल गया मैं भी, भूल गया बच्चों, 4 आवर्स 5 मिनट्स, ठीक है।
तो ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, एक ही बात है, आप इतना छोड़ देना, कोई मतलब की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर में आपका नंबर नहीं कटेगा, एक ही बात है। क्योंकि बात है देखो, 4 आवर्स कितने हो गए हमारे, 4 आवर्स हमारे होते हैं 1 आवर में 60 मिनट, सो 4 आवर में कितने हो गए, 60 × 4 कितने हो गए, 240, और 5 मिनट मतलब 240 मिनट प्लस 5 मिनट 245 मिनट, सो एक ही बात है। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है जी। चलिए,